जय माता दी, जय श्री काल का मां। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। नवरात्र हिंदुओं का अत्यंत पवित्र तथा प्रमुख त्योहार है। नवरात्र की पूजा 9 दिनों तक होती है तथा इन 9 दिनों में माता जी के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता जी के 9 स्वरूप इस प्रकार हैं: माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ महागौरी तथा सिद्धिदात्री माँ। प्रत्येक वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं तथा गुप्त नवरात्र भी आते हैं। पहले नवरात्र का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से होता है तथा अगले नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक रहते हैं तथा इन नवरात्रों के पश्चात दशहरा या विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाता है। नवरात्र का त्योहार गुजरात तथा बंगाल के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माता जी के इस त्योहार को संपूर्ण उत्तर भारत में नवरात्र कहा जाता है, वहीं पश्चिम बंगाल तथा उसके आसपास के राज्यों में इसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। साथ ही गुजरात में विशेष रूप से शारदीय नवरात्र को अत्यंत उत्साह के साथ डांडिया तथा गरबा खेलकर धूमधाम से मनाया जाता है। दोनों ही नवरात्रों में माता जी का पूजन विधिवत किया जाता है। देवी के पूजन करने की विधि दोनों ही नवरात्रों में लगभग एक ही समान रहती है। इस त्योहार पर सुहागन या कन्या सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 3 या संपूर्ण 9 दिन तक व्रत रखते हैं तथा 10वें दिन कन्या पूजन के पश्चात व्रत खोला जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का संकल्प किया जाता है। व्रत संकल्प के पश्चात ही घट स्थापना तथा गणेश पूजा की जाती है। नवरात्र के दौरान न केवल मार्मिक शांति की प्राप्ति होती है किंतु व्रत करने के कारण शरीर की भी आंतरिक रूप से सफाई हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को नवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए किंतु व्रत के दौरान कुछ आवश्यक बातों का भी अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाए। देवी माँ के इन पवित्र 9 दिनों में व्रत रखने वाले प्रत्येक जातक के लिए पौराणिक शास्त्र में व्रत संबंधी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। नवरात्र के पूजा पाठ तथा व्रत से पहले आपको इन नियमों के बारे में जानना अति आवश्यक है। अतः हम आपको बताते हैं कि नवरात्र के दौरान आप क्या करें तथा क्या ना करें एवं नवरात्रि व्रत पालन के विशेष नियम। एक घर में कदापि 3 शक्तियों की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में यथासंभव प्रतिदिन मंदिर जाकर देवी माँ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। प्रतिपदा के दिन कलश में आम के हरे पत्ते, दुर्वा तथा पंचामृत डालकर कलश के मुंह पर सूत्र बांधना चाहिए। कलश स्थापना के पश्चात गणेश पूजन करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन तक माता जी के समक्ष निरंतर अखंड दीपक जलना चाहिए। नवरात्रि में विधिवत कलश स्थापना करने या अखंड दीप प्रज्वलित करने वालों को 9 दिनों तक कदापि अपना घर एकदम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भक्त घर में प्रत्येक समय उपस्थित रहना चाहिए। स्थापना के दिन वेदी पर देवी माँ की धातु, पाषाण, मिट्टी से बनी मूर्ति या चित्रमय प्रतिमा को विधि विधान से विराजमान कर उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों तक पूजा करने से पहले देवी माँ का विधिवत सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों तक अपनी स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण रखने के लिए व्रत संकल्प करना चाहिए। व्रत के दौरान सभी लाल रंग के सामान का प्रयोग करना चाहिए तथा देवी माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता जी को यह पुष्प अति प्रिय है। काले रंग के कपड़े इन पावन दिनों में अशुभ माने गए हैं, अतः काले रंग के कपड़े पहनने से दूर रहना चाहिए। माता जी के 9 दिन तक व्रत रखने वाले जातकों को नाखून, दाढ़ी मूछ तथा बाल नहीं कटवाने चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए।
अनेक बार पानी पीने से, पान गुटखा खाने से, दिन में सोने से, स्त्री मिलाप करने से तथा नशीले मादक द्रव्यों का सेवन करने से व्रत दूषित हो जाता है, अतः इन सभी का त्याग करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में किसी को भी हृदय से पीड़ित नहीं करना चाहिए, ऐसा करना हिंसा माना गया है। नवरात्र के पावन दिनों में घर के खाने में अनाज तथा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्र का व्रत करने वाले मनुष्य को कांसे का बर्तन, मधु तथा अन्य व्यक्ति का दिया अन्न का त्याग करना चाहिए। नवरात्र के पवित्र दिनों में घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए तथा तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाने में लहसुन, प्याज, शराब तथा मांसाहार के सेवन से दूर रहना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों तक व्रती के मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार ना ही रखने चाहिए ना तो आने देना चाहिए। प्रतिदिन माता जी की मूर्ति का आसन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार एवं प्रार्थना आदि से पूजन करना चाहिए। नित्य यथासंभव समय अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ व दुर्गा स्तुति करनी चाहिए। पाठ तथा स्तुति के पश्चात दुर्गा जी की आरती कर प्रसाद वितरित करना चाहिए। जातक को पूजा के समय पॉकेट, बेल्ट, जूते या चप्पल जैसे चमड़े के सामान नहीं पहनने चाहिए, ऐसा करना देवी माँ का अपमान माना जाता है। प्रतिदिन पूजा करने के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। माता जी के इन 9 दिनों में व्रती को कीमती वस्त्र, अलंकार, सुगंधित वस्तुएं, इत्र आदि का निजी प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु नित्य स्वच्छ एवं पवित्र रहना चाहिए। व्रत समाप्ति से पूर्व यथाशक्ति छोटी कन्या भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं फलाहार ग्रहण करना चाहिए। छोटी कन्या को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। व्रत के परायण के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा हवन पूजन कराना चाहिए। इन नियमों के अतिरिक्त क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी न करना, यह 10 अति महत्वपूर्ण नियम संपूर्ण व्रतों में अति आवश्यक माने गए हैं।